हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। निशा ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज। और आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गया है तो सुबह का हम लोग चल रहे हैं किचन में। दोस्तों हम नहा धोया के फ्रेश हो चुके हैं, आज बाल धोए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए चिकन बनाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं प्याज हम भून चुके हैं, ये देखिए खूब अच्छे से डीप फ्राई कर दिए हैं। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे चिकन, देख सकते हैं। नीचे दोस्तों चिकन डाल देते हैं, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन नहीं होंगे। देखिए दोस्तों हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं खूब अच्छे से, और देखिए ऊपर से प्याज तल के रखते हैं डालने के लिए, जो कि हम ग्रेवी डालेंगे उसके बाद इसको डालेंगे। देख सकते हैं फ्राई कर रहे हैं दोस्तों, जिससे भी खाना रहेगा फिर जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए किसको खाना है। तो अच्छे से फ्राई करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप सब सभी मसाला देख सकते हैं। और इसके बाद हम ये गरम मसाला भी डालेंगे, देख सकते हैं ये मसाला हो गया, इसमें मसाला डाला गया दोस्तों। ये फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। आप सब बताइए कमेंट करके कैसा कलर लग रहा है। तो आज को थोड़ा धीमा कर दिया गया दोस्तों, एक कप हाई टीम हल्दी, देख सकते हैं उसे। इसके बाद डाला जाएगा लाल मिर्च, और दोस्तों देखिए जीरा पाउडर डाल रहे हैं, एक स्पून दो चम्मच डाला जाएगा जीरा पाउडर, ये हल्दी पाउडर आ गया, क्योंकि हमारा स्पून छोटा है हम 3 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और ये आ गया 1/2 स्पून हल्दी, गोलमरीच, लौंग पाउडर। तो दोस्तों देख सकते हैं, और अब आएगा इसमें लहसुन और अदरक का दोस्तों इसको अच्छे से चला। तो दोस्तों इसमें सारा चीज डाल चुके हैं मसाला में, और दोस्तों स्वाद के अकॉर्डिंग अब सबको स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालना है। दोस्तों नमक लास्ट में डाल रहे हैं, आप लोग जब चिकन फ्राई करते समय डाल सकते हैं, ये हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं हम, बहुत प्यारा लुक आ रहा है दोस्तों। तो इसको ढक के पकाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देखिए हम चिकन को कैसे उघार के चला रहे हैं, मतलब ढके से उसको ढक्कन हटा के चला रहे हैं। देखिए इसमें से तेल छोड़ रहा है दोस्तों, चिकन से देख सकते हैं चिकन में से तेल छोड़ा है दोस्तों। दोस्तों आप सब ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए दोस्तों, हमको सूखा फ्राई चाहिए, इसलिए हम चिकन को बस फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, पकने के हिसाब से जैसा
हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें दोस्तों हम ये छोटा कप है, जैसे हम एक इंच नीचे पानी लिए हैं जो कि पकने के लिए डालेंगे इसमें। तो इसको पहले और चला लेते हैं अच्छे से। आप सब अपने ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें पानी। यहाँ पर हमको ग्रेवी नहीं चाहिए, बस दोस्तों इसको फ्राई करेंगे। मैं देखिए हम थोड़ा सा पानी डालती हूँ, देखते हैं ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए देख सकते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी डाल ऐड कर रहे हैं दोस्तों। हमको ग्रेवी नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोग ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। जिसको किसी को थिक ग्रेवी चाहिए, किसी को मतलब ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेवी के हिसाब से दोस्तों हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों हम लोग 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। तो 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे दोस्तों इसको मीडियम लो फ्लेम पे। और दोस्तों मैं आज जो है ऊपर से इसमें डाल रही हूँ, इनको स्वाद के अनुसार डाल दूंगी। तो दोस्तों मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ऊपर से। ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ऐड की हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए हम लोग ढक के छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा चिकन किस तरह से बन के तैयार है। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों आप सब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, देख सकते हैं इसमें सुगंध दोस्तों, वाव बहुत ही प्यारा खुशबू आ रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा हिला करके ऊपर नीचे कर दे रहे हैं ताकि, और प्याज जो था ऊपर से जो हम डाले थे चारों तरफ मिल गया। ये दोस्तों पक के तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों गैस को हम बंद कर देते हैं और दोस्तों इसको रख देते हैं, बंद कर देते हैं। चलिए मिलते हैं खाते समय।